मैं पिछले 2-3 सालों से माइनक्राफ्ट जावा एडिशन खेल रहा हूँ, बट अब नहीं, अब मैं वापस से माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन खेलने वाला हूँ, बिकॉज इतने क्रेजी क्रेजी मॉड्स आ गए माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में। लेजेंड भाई, इनको देख के तुम्हारा मन करता है खेलने का। तो सबसे पहले बात करते हैं मॉड नंबर 1 की, एंड वो है नाइट विजन का मॉड। ये मॉड में बेसिकली तुम्हें सब देखने लग जाएगा, मतलब अगर तुम अंधेरी गुफाओं में हो या फिर रात में क्रीपर के बीच में और स्केलेटन्स के बीच में, तुम्हें सब कुछ साफ साफ दिखेगा, भले ही रात हो कितना भी अंधेरा हो। एंड जैसे मैं भी भाग रहा हूँ वैसे तुम भी भाग सकते हो, क्योंकि देखने से क्या होता है, डर के भागना तो है ही तुम्हें, क्योंकि तुम लोग अच्छा मैं पर हाँ तो तुम भी नूबी हो, इसलिए तो नाइट विजन वापर रहे हो, वरना थोड़ी वापरते। ओए मारता, अरे मारता कैसे, ओए मार मार। अच्छा ठीक है, नाइट विजन मॉड। और अगला मॉड है सिर्फ और सिर्फ प्रो प्लेयर्स के लिए, द वन एंड ओनली एक्सरे मॉड। एंड जैसा कि मैंने कहा कि ये मॉड सिर्फ प्रो प्लेयर्स के लिए, यानी इस मॉड में तुम डायमंड ढूंढ सकते हो बिना डायमंड ढूंढे, मतलब एपिक का भी एपिक डायमंड ढूंढो, लेकिन डायमंड ढूंढने की जरूरत है, मतलब केव में जाओ और इस मॉड को लगा लो और उसके बाद में फिर तुम्हें अपने आप डायमंड मिलते रहेंगे। हाँ बस, मतलब एकदम बिना देखे भी देख सकते हो, यही डायलॉग लिख के लाया था मैं बस। एंड अब हमारा अगला मॉड है फ्री लुक मॉड, जिसे मैं घुमन चक्री मॉड भी बोलता हूँ। इस मॉड के अंदर तुम्हें ना देखो ऐसे ऐसे देख सकते हो, ठीक है, लेकिन वही अगर तुम थर्ड पर्सन में हो तो तुम्हें F5 बटन दबाना पड़ता है, एंड उसके लिए तुम्हें F5 बटन मॉड डाउनलोड करना पड़ता है। तो वो भी क्यों करना जब तुम्हारे पास घुमन चक्री मॉड है। देखो इस मदद से ऐसे ऐसे घूम सकते हो, मतलब तुम आसपास पूरा ऐसे देख सकते हो, जैसे कि यू नो थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन विथ योर फिंगर माउस, जो भी हो जिससे भी तुम खेल रहे हो, मतलब एक ही साथ सारा काम हो जाए, मतलब समझ गए क्या कहना चाह रहा हूँ। इसका भी यही डायलॉग लिख के लाया था। एंड हमारे अगले मॉड का नाम है डायनेमिक लाइट। ये वाला मॉड है ना बहुत ज्यादा मस्त है, मतलब इसमें जो तुम्हारे हाथ में टॉर्च होगी ना, वो तुम्हारे हाथ में रहकर ही रोशनी फैलाएगी, बिल्कुल एकदम जावा एडिशन वाली की जो टॉर्च होती है ना, जावा वालों की टॉर्च होती है, देखी होगी तुमने, उसमें कैसे अपने हाथ में रहती है फिर भी लाइट फैलती है, बस वो वाली चीज होगी इसके अंदर, मतलब बहुत डायनेमिक लाइट, मतलब समझ रहे, मजा आएगा एकदम। और हाँ एक और चीज, ये वाली है ना जो तुम्हारे दिवाली वाले कंदील होते ना उसके साथ भी वर्क करती है, तो हाँ इसका भी इतना ही डायलॉग था। एंड हमारा अगला मॉड है एक्शन एंड स्टफ मॉड, अच्छा बार बार नहीं, तो ये बेसिकली ना एक एमिनेमिनेशन मॉड है, मतलब एनिमेशन मॉड है, जिसके अंदर लड़की ऐसे भाग सकती है, ऐसे भी भाग सकती है, और फिर ये एकदम ऐसे हॉरर पिक्चर के अंदर जो हीरोइन नहीं होती जो बोलती है वह कौन है, वैसे भी भाग सकती है कंदिल लेके, भूत का नाम ले दी ज़ॉम्बी आ गया। उसके बाद में तुम देख सकते हो भाई टॉर्च पकड़ के भी भाग सकती है, जिससे पीछे इस टॉर्च की चिंगारी निकलती है, एंड तुम ऐसे शिप को मारोगे ना तो शिप घोड़ा बन जाती है, मतलब उसका अपना जेनेटिक्स भूल जाती है भाई। वो देखो इसको भी मार के दिखाता हूँ मैं, ये देखो कैसे मतलब उछलती है जैसे कि मतलब गद्दा हो, हाँ यही होता है इस मॉड में, पर मजा आता है देखने में। उसके बाद में अगर तुम भाई ज़ॉम्बी से फाइट करो तो क्या क्रेजी भाई एक्शन, मतलब देखा तुमने अभी कैसे मारा वो उसको, मतलब ऐसा लग रहा पिक्चर चालू है एनिमेटेड वाली सामने, मतलब क्रेजी एनिमेशन है भाई। वहाँ वाले ज़ॉम्बी को थोड़ा अट्रैक्ट करते हैं, बेटा जरा यहीं तो ओल्ले आ गया ये तो, आराम से भाई आराम से, एक सेकंड इसको मार के दिखाता हूँ, तब तक तुम फाइट एंजॉय करना। अच्छा मैं बाद में एंजॉय करना, मेरे यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो गई है, और बाद में आना भाई प्लीज़, आ जा, चला ही गया तो आ जा, अब देखो तुम फाइट, डरते नहीं हम, ये ले जवाब सिस्टम। इसके अंदर जो वॉन्डरिंग ट्रेडर है ना, उसके अगर तुम लामा को मार दोगे तो भाई वो बोले जो कोयल पे नाचते हैं, बोले जो कोयल बाहों में। इसके अंदर जो बिल्ली है वो भी आँख मारती है, मतलब आँख झपकाती है, और तुम विलेजर्स की तो बात ही छोड़ दो, इनके चलने का अंदाज देखो, मतलब बिल्कुल ही बदल गया भाई, ऐसे देखो सामने सामने नौकरी बदल ले अपनी, मतलब नौकरी बदल ले सामने सामने, और ये देखो ये है इस गांव का सलमान भाई, एकदम दबंग जैसे चल के आ रहा, और ये इस विलेजर को देखो कैसे मतलब आँखें वाँखें झपका रहा, और उसकी आई मूवमेंट अगर तुम देखो तो देखो पलके हल्के झपका, मतलब बढ़िया है। और हाँ ऊँट हमेशा की तरह आलसी है, और अगर तुम आयरन गोलम को एक हिट करोगे तो भाई उसको देखो कैसे चल के आएगा, मतलब सही में अगर ये बैकग्राउंड में इतना हैप्पी म्यूजिक नहीं बज रहा होता ना तो तुम्हारी भी फट जाती, मेरी तो फट गई थी, मतलब हवा में स्ट्रिप मार रहा हूँ भाई मैं, ये देखो बट एक हिट में मर गया क्योंकि मैंने ऑलरेडी डैमेज दे रखा था। नहीं नहीं मैं प्रो प्लेयर हूँ, ऐसा कुछ नहीं, डैमेज वैमेज कुछ नहीं जाता, मैं ही थोड़ा प्रो हूँ, यस शक्ल देखो मेरी प्रो प्लेयर वाली। ए छोटू नाच के दिखा, एक गिफ्ट दूंगा मस्त, बढ़िया ये फूल रख मजे मार। Like and subscribe.